विकासनगर में परिवहन अधिकारी आरएस कटारिया के निर्देशन में परिवहन विभाग के अधिकारियों ने शहर में चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान में विभिन्न धाराओं में 30 वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई है। वहीं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एस के निरंजन ने कहा कि सुबह से ही क्षेत्र में मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जा रही है और यह कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। विकासनगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। मैं ये बताना चाहूँगा कि उच्च अधिकारियों के निर्देशों के पालन में हमारे द्वारा परिवर्तन की कार्रवाई आज प्रातःकाल से ही कालसी सैया और चक्रोता रोड मार्ग पर की गई और अभी अभी भी हमारे द्वारा परिवर्तन कार्रवाई की जा रही है। लगभग सभी प्रकार के वाहनों पर की जा रही है। अभी तक हमारे द्वारा 30 वाहनों के चालान किए गए अनेक अपराधों में, तो इस चालान की कार्रवाई की गई है। इसमें बताना चाहूँगा कि विभाग द्वारा जो है समय समय पे जो है इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। अभी कुछ दिन पहले भी कार्रवाई नशे के खिलाफ संचालित वाहनों के वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जिनके जिनके विरुद्ध जो है कड़ी कार्रवाई के अंतर्गत हमें हमारे द्वारा कार्रवाई की गई और उनके द्वारा उनको जो है आघात भी किया गया है और भविष्य में भी ये कार्रवाई चलती रहेगी।